इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने डिजिटल युग को लेकर ऐसा तंज कसा और जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दरअसल सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि अब शादियां ऑनलाइन होती हैं, बच्चे भी ऑनलाइन पैदा होंगे, वो स्टील के पैदा होंगे या मांस और हड्डी के, ये विचारणीय विषय है। पति पत्नी मोबाइल में मोहब्बत करते हैं, आहें भरते हैं। दरअसल रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह मना रहा था। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे और तभी सांसद जनार्दन मिश्रा ने तकनीक को लेकर विवादित बयान दिया, कटाक्ष किया। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। तो आपने सुना, ये विवादित टिप्पणी की है जनार्दन मिश्रा ने और पति पत्नी को लेकर बयान दिया और कहा कि ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे। सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, जिन्होंने जिनका डिजिटल मोहब्बत पर आपने ज्ञान सुना है, और इस बयान के बाद बवाल मच गया। जरूरत है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो कह रहे हैं 50-60 साल बाद तो ये स्थिति होगी कि स्कूल कॉलेजों में प्रोफेसर और प्रिंसिपल की जगह मशीनें प्रोफेसर होंगी। तो मैं ये समझता हूँ, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पढ़ेंगी भी मशीनी, इंसान होंगे ही नहीं क्या? अब बताइए, वो कहते हैं कि मोबाइल आ जाने से अगर पति पत्नी इधर उधर मुँह करके सोएंगे तो आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? अरे, इतने बचकाने बयान दे करके आप क्या साबित करना चाहते हो? मैं ये समझता हूँ सांसद महोदय, आप इस तरह के बचकाने बयानबाजी छोड़िए, और आप ये देखिए कि रीवा की सड़कों में आपने कितना काम कराया, कितने लोग वहाँ के आंदोलित हैं कि सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं कि गड्ढों में सड़कें हो रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा समझ में ठीक आती है बात। देखिए, जिस तरह से नई पीढ़ी तकनीकों में पूरी तरह खो गई है, संबंधों को, रिश्तों का महत्व कम होता जा रहा है, यहाँ तक कि आपसी बातचीत भी केवल और केवल सोशल मीडिया तक आधारित रह गई है, ऐसे में जनार्दन मिश्रा जी जो कि सांसद भी हैं और हमारे समाज के एक वरिष्ठ भी हैं, ये नई पीढ़ी को सीख दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं ताकि नई पीढ़ी रिश्तों की गहराइयों को समझे, संबंधों को महत्व दे और इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुनिया से बाहर निकल कर व्यवहारिक दुनिया में अपना जीवन यापन करें। ये बहुत अच्छी सलाह है, नई पीढ़ी को उनकी सलाह का अनुसरण करना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, एक तरफ पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं डिजिटल की और डिजिटल युग बन रहा है, लेकिन कम ज्ञान या भावनाओं में बह गए जनार्दन मिश्रा, क्या कहें इसे? बिल्कुल संभव ये कह सकते हैं कि भावनाओं में बह गए, और ये पहली बार नहीं है कि रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने कोई बेतुका या विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे उनकी खुद की किरकिरी भी हुई है और पार्टी की भी किरकिरी हुई है। बीजेपी भले ही उनको डिफेंड करती भी नजर आ रही है, लेकिन जब दबी जुबान बीजेपी के नेताओं से बातचीत करेंगे तो वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनार्दन मिश्रा ने ऐसा बयान दिया है जिसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि जनार्दन मिश्रा ये कह रहे हैं कि डिजिटल युग आने वाला है और डिजिटल युग चल भी रहा है, और इसके साथ साथ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में ऑनलाइन शादियां तो हो रही है, बच्चे भी ऑनलाइन हो जाएंगे, और वो हड्डी के रहेंगे, मांस के रहेंगे या फिर काय के रहेंगे, इसको लेकर चिंतन मनन होना चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ वो इंजीनियरिंग के छात्रों को संभव समझाइश दे रहे थे या डरा रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो 2 से 3 बार के सांसद है और वो इस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो सवाल उठता है उनकी सोच के ऊपर भी कि आखिर वो बच्चों को देना क्या चाह रहे थे, बच्चों को समझाइश क्या दे रहे थे, क्योंकि बच्चों को ये तक कहा उन्होंने
कि आने वाले समय में भरोसा नहीं है कि आपका जो प्रिंसिपल होगा, आपका जो कुलपति होगा, वो AI का भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर इस वक्त जनार्दन मिश्रा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और सवाल बीजेपी पर भी उठेंगे। बीजेपी भले ही उनका बचाव करते हुए नजर आ रही, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले उनको वो ये कह सकते हैं शौचालय साफ करते हुए भी नजर आ चुके हैं। सांसद रहते हुए कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता रीवा और भिंद से आते हैं, उनको लेकर भी बयान दिया, उस वक्त भी काफी सियासी भूचाल मचा था, काफी हंगामा हुआ था, और अब एक बार फिर उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया है जिससे वो भी घिरते हुए नजर आ रहे, पार्टी भी घिरती हुई नजर आ रही है। और वाजिब है इस चीज को लेकर जिस तरीके से उनका बयान आया है कि डिजिटल को लेकर लोगों को जागरूक करना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उनका बयान आया वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि वो डराते हुए बच्चों को नजर आ रहे, ना ही समझाइश देते हुए, ना ही उसको फ्रेंडली तौर पर अपनाने के तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।